विकासखंड पौंटा साहिब की एक महिला ने केले की खेती से अपने घर की आर्थिक दशा में सुधार कर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अपनाने की प्रेरणा दी है। मन में अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी काम करना कठिन नहीं है। विकासखंड पौंटा साहिब के माजरा पंचायत की ममता देवी ने कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया। ममता ने अपनी कृषि भूमि के किनारों में केले की खेती करनी शुरू की, जिसके बाद उनकी आर्थिक दशा में सुधार होने लगा। साल भर में ममता करीब 1.25 लाख की अतिरिक्त आय केले बेचकर कमा रही है। केले की खेती से न केवल ममता के परिवार की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है, बल्कि केले के पत्ते पशुओं के चारे के काम भी आते हैं। ममता का कहना है कि पौंटा साहिब जैसे समतल क्षेत्र में किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ केले की खेती कर आर्थिक दशा में सुधार कर सकते हैं। लगभग 4 बीघे केले का बगीचा लगाया हुआ है, जिसमें 270 पौधे लगे हुए हैं। इससे 50 से 60 क्विंटल सालाना फ्रूट निकलता है। इसमें लगभग 1,15,000 के करीब आमदनी हो जाती है। यह हम इसे देहरादून सब्जी मंडी में बिकता है, 15 से 20-25 रुपए के करीब बिक जाता है, जिससे बहुत अच्छा उत्पादन है। हमारी आय ये 2 से 2.5 गुना बढ़ गई है इससे। हम इसमें गेहूं और ये धान भी लगाते हैं। हाँ जी, और संतरे भी लगे हुए हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।